पूरी दुनिया जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि मिले ट्रैक्टर पाकिस्तान च कामयाब नहीं है तो बाहर कौन लेंदा है। जो जेन्युइन पेंट आ रहा है कंपनी से मिलर से वो पसंद नहीं करते जी, वो ज्यादा हल्का डार्क होता है जी जी, इसलिए वो थोड़ा सा ना गहरा करना पड़ता है, उसको डार्क करना पड़ता है। डार्क करना। अगर किसी ने ट्रैक्टर को रीपेंट करवाना हो तो उसके लिए कितना खर्चा है तकरीबन? जी यही 5-6 हज़ार। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भैया, ने अपना नाम की है जी? यकूब अहमद। अच्छा, ट्रैक्टर ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਮ। ਸਟਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਜੀ? ਅਫਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਲੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਸੀ ਫਰਗੋਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਲਾ ਕਲਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਸ਼ੋ ਲਾਈ ਦੀ ਮਗਰਾਟ ਲਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਫਰੇਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਰਹਿ। ਸਹੀ। ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ? ਜੀ ਜੀ। ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ? 9 ਟਰੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਲਾਈਏ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ 4-5, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸ਼ੋਰੂਮ। कुछ ट्रैक्टर खुल चुके हैं और कुछ खुलने वाले हैं। 2021 और 2022 मॉडल ट्रैक्टर यहाँ पर इनके पास मौजूद हैं। ये इनके टायर हैं, ये शो वगैरह शील्ड वगैरह सलेंसर, ये अलहदा पैक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये बताएं कि इनका पेंट भी दोबारा किया जाता है? जी, जिसने जो बाहर भेजते हैं उनके लिए पेंट दोबारा किया जाता है, ताकि वो ना बाहर खड़े रहते हैं, जंग वगैरह लग जाता है जी, तो जी। पेंट करना पड़ता है जी। जो जेन्युइन पेंट आ रहा है कंपनी से मिलर से वो पसंद नहीं करते जी, वो ज्यादा हल्का डार्क होता है जी, इसलिए वो थोड़ा सा ना गहरा करना पड़ता है, उसको डार्क करना पड़ता है। डार्क करना। अगर किसी ने ट्रैक्टर को रीपेंट करवाना हो तो उसके लिए कितना खर्चा है तकरीबन? जी यही 5-6 हज़ार रुपये एक ट्रैक्टर। 5-6 हज़ार पुराना ट्रैक्टर रीपेंट करवाना? हाँ, वो भी हो जाएगा। उसका कंडीशन देखी जाएगी किस कंडीशन में ट्रैक्टर है, अगर तो वो ज्यादा ही मसला खराब है ट्रैक्टर का जी, फिर ज्यादा खर्चा आएगा, वरना कम खर्चा। नॉर्मल नॉर्मल कितना? नॉर्मल तकरीबन 6 हज़ार रुपये कर लें, और सही ट्रैक्टर उसका 5 हज़ार रुपये। अच्छा, तो जैन भाई ये बताएं कि वो ट्रैक्टर सारा खोलना पड़ता है या कैसे पेंट करते हैं आप? नहीं नहीं, जहाँ मसलन कि ये इधर क्रोम किया गया उसके ऊपर टेपिंग कर देते हैं, तो टचिंग वगैरह होती है। टचिंग वगैरह होती है। शोरूम आपका किस जगह पर है? ये बेगमकोट मिल्लत के ऑफिसर पे है। मिल्लत ऑफिसर। स्टार एग्रीकल्चर नाम है शोरूम का। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।